जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी तो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर मनोरथ सिद्धि में विलंब हो रहा है तो भक्तों को करना ये चाहिए कि भांति भांति से हनुमान जी का पूजन करें। कई ऐसे पाठ हैं जिनको समय समय पर करते रहें, कुछ तो नियमित पाठ हैं, और जिस जप को पाठ को आप नियमित करते हैं वो तो करते रहें, लेकिन साथ ही कुछ अन्य पाठों को भी शामिल करें। तात्पर्य यह है कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हम विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करें और विभिन्न पाठों का सहारा लें। तो ऐसे में धैर्यपूर्वक अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी के पाठों की सिद्धि को लेकर कई बातें की गई हैं कि इतने पाठ किए जाएं तो कुछ पाठों में हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कुछ मंत्रों की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ विशेष अवसर ऐसे होते हैं जिस दिन कम संख्या में भी जप करके पाठ करके हमें समुचित लाभ प्राप्त हो जाता है। उसी में से एक होली की रात्रि भी है, होली का दिन भी है, या फिर होलिका दहन की रात्रि को भी पाठ का विधान बताया गया है। कुछ जिज्ञासाएं सामने आई है मारुति स्त्रोत को लेकर, जो कि हनुमान जी का एक बड़ा ही शक्तिशाली पाठ है और ये बहुत जल्द हमें फल प्रदान करता है। और 17वीं शताब्दी में जब शिवाजी महाराज के, यानी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जो गुरु हुआ करते थे समर्थ रामदास जी महाराज, तो उन्होंने इस पाठ के स्त्रोत की रचना की और इसका फलाफल उन्होंने शीघ्र देखा। शिवाजी महाराज को संकटों से उबारने के लिए जो मुगलिया आक्रांता थे, जो महाराष्ट्र पे तरह तरह के से चढ़ाई कर रहे थे, त्रास दे रहे थे वहाँ के लोगों को, तो इस संकटों के निवारण के लिए जो राम भक्त गुरु समर्थ रामदास जी महाराज थे, उन्होंने इस स्त्रोत की रचना की, मारुति स्त्रोत की रचना की। तो इसकी रचना उन्होंने मराठी में की। महाराष्ट्र में तो इसका काफ़ी प्रभाव देखा जाता है और वहाँ बड़ी संख्या में लोग इसका पाठ करते हैं, साथ ही संस्कृत में भी ये रचना उपलब्ध है। और ऐसी मान्यता है कि जो वेद व्यास जी ने इसकी रचना की, हनुमान जी से प्रार्थना की है संकटों के निवारण के लिए। तो बहुत जल्द इस पाठ को करने के बाद हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है, सुख शांति मिलती है। शत्रु भय जो रहता है, शत्रु पीड़ा, षड्यंत्र में हम फंसे हो, उस तरह का भय हो, घर में अगर अशांति है तो इस पाठ को किया जाता है और हमें तुरंत शांति महसूस होती है और घर में सुख शांति का वातावरण तैयार होता है। धन धान की भी वृद्धि होती, यानी कुल मिलाकर के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज ने शिवाजी महाराज को चतुर्दिक आक्रमणों से बचाने के लिए, चतुर्दिक पीड़ा से रक्षा के लिए, संकटों के निवारणार्थ हनुमान जी से प्रार्थना की थी और हनुमान जी का स्तुति गान किया था। तो बहुत ही चमत्कारिक ये पाठ है। जो लोग मराठी समझते हैं इसका मराठी में पाठ करते हैं, पाठ कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत में भी ये पाठ उपलब्ध है। हम इन दोनों पाठों की चर्चा करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस पाठ को दे देंगे जहाँ से ये पाठ किया जा सकता है। और साथ ही होली के दिन हम किस प्रकार से इसे सिद्ध करें, या फिर होली के अलावा अन्य दिनों में अगर हम चाहते हैं कि ये पाठ अपना प्रभाव दिखाना शुरू करे, इसकी सिद्धि हमें कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चूँकि 13 श्लोकों में, शुरू के 13 श्लोकों में समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी ने हनुमान जी का स्तुति गान किया है। हनुमान जी के उनके सामर्थ्य से एक तरह से परिचय दिलाया है, उन्हें याद दिलाया है कि आप सर्व समर्थ हैं श्री हनुमान जी, आप भक्तों की पीड़ा क्षण भर में दूर कर देते हैं। उनकी दयालुता की ओर इशारा दिया है कि आप कितने दयालु हैं कि भक्तों की पीड़ा आपसे सहन नहीं होती और आप तुरंत दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए, संकटों के निवारण के लिए। और आखिर के जो 3 श्लोक हैं इसमें हनुमान जी से मांग रखी गई है और ये मांग की गई है कि प्रभु हम चतुर्दिक संकटों से घिर गए हैं, चारों तरफ हमारे शत्रु हैं, कई तरह से पीड़ा हमें पहुंचा रहे हैं, कई तरह की कमियां हमारे जीवन में आ गई हैं और उसको पूरा कीजिए, धन धान्य दीजिए, सुख शांति दीजिए,
शत्रुओं से हमारी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से तीन श्लोकों में श्री हनुमान जी से मांग की गई है कि वो हमारी रक्षा करें। अन्य दिनों में जो लोग पाठ करते हैं मारुति स्त्रोत का, उसके बारे में पाठ के आखिर में ही लिखा गया है कि एकादश शतवारम, यानी 1100 बार अगर पाठ किया जाए, एकादश शतवारम जपिका सर्व शत्रुण वश मान्यति नान्यथा इति, यानी 1100 बार इसका अगर पाठ किया जाए तो ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, ये सिद्ध हो जाता है। सभी जो शत्रु हैं उनका शमन हो जाता है, वो हमारे वश में हो जाते हैं, हर प्रकार की जो पीड़ा है हमारे जीवन से वो दूर हो जाती है, शत्रु भय समाप्त हो जाता है और हमारे जीवन में तरक्की और उन्नति मिलती है 1100 बार अगर इसका पाठ किया जाए तो। अन्य दिनों में किसी भी दिन, यानी मंगलवार से इसको शुरू किया जाए और एक निर्धारित संख्या में पाठ करते हुए जिस दिन ये 1100 पाठ पूरा हो जाएगा उस दिन अपना ये प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। साथ ही इसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो मंगल शनि राहु केतु की जो पीड़ा है जो हमें सता रही है इससे भी हमें राहत मिल जाती है, क्योंकि इस तरह के जो पापी ग्रह हैं जो हमें पीड़ा जब पहुँचाते हैं चतुर्दिक हमारे ही पूर्व के कर्मों की वजह से अगर हमारे जीवन में अशांति लाते हैं तो ये शांति भी इससे मिल जाती है। और इसका ये भी महत्व है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस पाठ का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो इसको आप किसी भी शुभ समय में इसका जप किया जा सकता है और 1100 बार इसका पाठ कर दिया जाए तो आपको इसका प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। अब होली के दिन अगर हम इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से कुछ तैयारी करनी होगी। आप पहले से लाल वस्त्र की व्यवस्था कर लें और यही पहन करके आप जब इसका शुरू करेंगे, इसका पाठ शुरू करेंगे तो आपको पुण्य फलों की शीघ्र प्राप्ति होगी। तो होली के दिन स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के हनुमान जी को लाल आसन पे विराजित करके या फिर राम दरबार अपने सामने स्थापित करने के बाद दीप वगैरह जला लें, जो मिष्ठान वगैरह हनुमान जी को भोग लगाना है वो लगा लें। और ख़ास करके होली का मौका है तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी को आप रंग गुलाल भी उनको वहाँ अर्पित कीजिए, उनको चढ़ाइए। सबसे पहले इस शुभ मौके पर हमारे जीवन में रंग भरें, हमारा जीवन सुखमय हो, इस कामना के साथ, इस प्रार्थना के साथ प्रभु श्री राम और हनुमान जी को रंग गुलाल आप अर्पित करें। और उसके बाद सबसे पहले जैसा कि नियम है कि श्री गणेश जी की वंदना एक बार ज़रूर करें, एक माला ओम गंग गणपतये नमः का आप जाप कर लें, एक माला राम नाम का कर लें तो अति उत्तम है। विधि यह है कि राम रक्षा स्त्रोत का पाठ अगर कर लिया जाए या राम जन्म के समय जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की है अगर उसका पाठ कर लिया जाए, यानी प्रभु श्री राम के स्तुति गान कर लिया जाए और उसके बाद इस पाठ को किया जाए होली के दिन, और होली के दिन अगर हम 108 पाठ भी कर लेते हैं, सिर्फ 108 पाठ, यह 1100 पाठ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विशेष दिन है ये होली, दिवाली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस तरह की जो तिथियां होती हैं, विशेष तिथियां होती हैं जिस दिन हमें साधना का बहुत जल्द फल प्राप्त हो जाता है, तो नियम यह है कि अगर इस दिन 108 पाठ पूरा कर लिया जाए, सुबह से शुरू करें और रात्रि तक में भी, होली की रात्रि तक में भी अगर 108 पाठ अगर ये पूरा हो जाता है तो ये जो स्त्रोत है अपना फल दिखाना शुरू कर देगा। इसके लिए कुछ नियम परहेज की भी आवश्यकता होती है, जिस दिन आप ये पाठ करें उस दिन आप लहसुन प्याज का सर्वथा परित्याग कर दें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, उस दिन हनुमान जी से संबंधित कथाओं का श्रवण करें, उस दिन कुछ इस तरह के वाद विवाद में ना पड़ें और अनावश्यक लोगों को छूने से, खुद का स्पर्श कराने से बचें, यानी कुल मिलाकर के आप चूँकि साधना में हैं तो ये इसका नियम है कि उस दिन खुद को थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर अन्य दिनों में भी आप 1100 पाठ का आपने लिया है और ये पाठ अगर 11 दिन या 21 दिन चलता है तो उन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन और तमाम तरह के जो वर्जनाएँ हैं उसका आपको पालन करना होगा, तब जा कर के ये जो पाठ है ये सिद्ध हो जाएगा मारुति स्त्रोत। और पाठ करने के कुछ इसका स्वर भी निर्धारित किया गया है, ये बहुत ऊंचे स्वर में इसका पाठ नहीं किया जाता और ना ही इसका बुदबुदाकर पाठ किया जाता है, एक लयात्मक
एक लयबद्ध तरीके से, यानी मध्यम स्वर में, एक लय में इसको पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कभी तेज, कभी मध्यम, कभी बिल्कुल सुस्त पर गए, कभी मानस जाप करने लगे, ऐसा नहीं, मानस पाठ करने लगे ऐसा नहीं, बिल्कुल उसका जो स्वर है बिल्कुल एक गति में हो। इस पाठ में अगर किया जाए तो इससे हमें शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। तो होली के दिन 108 पाठ आप करें, और जब 108 पाठ पूरा हो जाए, मान लीजिए कि रात्रि में 9 बजे 10 बजे रात्रि में अगर ये पाठ पूरा होता है, और जब तक ये पाठ पूरा ना हो ये भी ध्यान देना है कि अब दीप आपका जलता रहे। एक बैठक में आप कर लें तो बहुत बढ़िया, एक बैठक में अगर संभव नहीं है, बीच बीच में आप विराम ले रहे हैं तो क्षमा प्रार्थना करते हुए बीच में आप विराम ले लीजिए, और जो दीप आपने प्रज्वलित किया है घी का दीप, वो अनवरत जलता रहे। और अगले दिन जिस दिन आपका ये पाठ समाप्त हो जाए, पाठ समाप्ति के बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए, उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए कि कोई भूल चूक हुई हो तो आप क्षमा कर दें, और जिस मनोरथ की सिद्धि के लिए हमने ये पाठ किया है उस मनोरथ को आप सिद्ध कर दें। तत्पश्चात अगले दिन आप मंदिर जाएं और वहाँ पे यथा शक्ति आप हनुमान जी को भोग आदि अर्पित करें, अगर संभव हो तो पंडित जी से कह करके उनसे प्रार्थना करके हनुमान जी को चोला चढ़वा दें, हनुमान जी को एक पान का बीड़ा अर्पित कर दें। तात्पर्य यह है कि जितना आपसे संभव हो सके हनुमान जी की भांति भांति से, विभिन्न प्रकार से, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि भक्तों से अपेक्षा ये होती है कि हनुमान जी की विभिन्न प्रकार से, आखिर करुणा निधान प्रभु श्री राम के भक्त हैं परम दयालु श्री हनुमान जी, भांति भांति से विभिन्न प्रकार से अगर हम उनका पूजन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, स्तुतिगान करेंगे, और इस मारुती स्त्रोत में पूरा उनका स्तुतिगान किया गया है, तो भाव के साथ अर्थ को समझते हुए अगर हम स्तुति गान करेंगे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी हम पर कृपा करेंगे। तो होली के दिन या होलिका दहन के दिन, इन दोनों दिनों में इस पाठ को करके इसको सिद्ध किया जा सकता है। सिर्फ 108 पाठ ही कर लिया जाए, एक माला का पाठ कर लिया जाए तब ये सिद्ध हो जाएगा। अन्य दिनों में इसकी विधि है कि 1100 पाठ आपको करना होगा, एकादश शतवारम जपित्वा, ऐसा कहा गया है कि 1100 पाठ आप करेंगे तब जाकर ये सिद्ध होगा। तो जो लोग भी विभिन्न प्रकार से अपने आराध्य श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो इस पाठ को जरूर करें, परम दयालु श्री हनुमान जी जरूर कृपा करेंगे। जय सियाराम।